देख सकते हैं कितना फूला फूला भटूरा है हमारा, काफी सारी चीजें पड़ रही हैं इसके अंदर। तो आज हम आए हैं बीकानेर के बीकानेर वाले के यहाँ। ये कानपुर का पहला आउटलेट है जो कि हमारे किदवई नगर में खुला है। कानपुर में इसका दूसरा आउटलेट भी है, वो काकादेव में है, बट आज हम किदवई नगर वाला आपके लिए कवर करने आए हैं। तो कुछ बातें इनके बारे में बताते हैं। ये बीकानेर में लालजी राम के एक आदमी ने स्टार्ट किया था 115 साल पहले। तो इसके कई सारे आउटलेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, लाइक अराउंड 94 आउटलेट्स हैं, उनमें से ही एक आउटलेट पे आज हम आए हैं। तो चल के देखते हैं यहाँ पे इनकी क्या क्या स्पेशलिटी है, आइए। तो गेट से एंटर करते ही हम इनके ग्राउंड फ्लोर पे पहुँचेंगे, जहाँ पे आपको इनके सारे रेडी टू ईट ऑप्शंस जैसे कि स्वीट्स, नमकीन और केक्स, पेस्ट्रीज, टेक अवे के लिए और खाने के लिए सब ऐसे ही आइटम मिल जाएंगे। प्लस आपको यहाँ पे कई सारे गिफ्टिंग ऑप्शंस भी मिलेंगे। और साइड में है इनका फूड काउंटर, जहाँ पे आपको ढोकला, पेटी, समोसा और छोले भटूरे, आलू टिक्की जैसी चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो हमने इनके मेन्यू से ऑर्डर किया है छोले भटूरे, राज कचौड़ी और कॉफ़ी। तो अभी तो मैं कर रही हूँ अपनी कॉफ़ी इंजॉय और फिर आपको इनके किचन में लेके चलती हूँ राज कचौड़ी और छोले भटूरे की मेकिंग दिखाने। तो लीजिए, आ गए हैं हम इनके किचन में। तो सबसे पहले दिखाते हैं आपको इनके किचन का काउंटर, जो कि बहुत ही प्यारा था, फुल क्लीनिनेस एंड एवरीथिंग। और यहाँ मेरी नज़र रुक गई गुलाब जामुन पे, क्योंकि वो तो प्यार है। यहाँ के शेफ ने हमें बताया है कि ये जो आलू टिक्की बन रही है ये शुद्ध देसी घी में बनती हैं। प्लस आप देख सकते हैं कि बाहर से काफ़ी हटके तरीके से ये उसे बना रहे हैं। हमारी जो टिक्की है उसे अच्छे से उसके पीसेस करके फिर उसके ऊपर दही और चटनी डाला जा रहा है। ये ऑर्डर हमने तो नहीं किया था, बट जब ऐसा देखा तो फिर सोचा क्यों ना आपको भी दिखा दिया जाए। तो अब बारी आ चुकी है हमारी राज कचौड़ी के बनने की, जो कि यहाँ की बहुत फेमस है। तो देखते हैं ऐसा क्या खास है इसमें। तो ये रेडी हो रही है हमारी राज कचौड़ी और ये भैया ने इसके अंदर खूब सारी मठरी भरी है। उसके बाद क्या डाल रहे हैं भैया? चना। चना मिक्स पड़ गया ये इसमें। उसके बाद पड़ रहे हैं थोड़े से बॉइल्ड प्लेन आलू, फिर पड़ रहे हैं थोड़े से और उसके बाद डालेंगे मसाले। फिर पड़ रही है हमारी हरी चटनी, थोड़ी सी लाल इमली की चटनी। ये प्लेन दही है ना? मीठा दही ओके। और ये भल्ला ओके। तो काफी सारी चीजें पड़ रही हैं इसके अंदर। ये ऊपर से दही आया। मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। सेव से इसका डेकोरेशन हो गया, थोड़ा सा धनिया डाल दिया गया। और ये पड़ा अनार रेडी हो गई। तो अब लग रही है हमारे छोले भटूरी की प्लेट। देख सकते हैं छोला कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। साथ में इन्होंने उसके ऊपर से एक सूखा आलू भी रखा है, प्लस हमें खीरा और प्याज और एक मिर्ची भी इन्होंने दे रखी है। और ये आ गए मेरे बड़े से फूले फूले भटूरे। दो भटूरे मिल रहे हैं आपको इनकी एक प्लेट में, तो बहुत सही है, पेट भर के खाइए। और अब हम इसे ले आए हैं अपनी टेबल पे, तो ज़रा देख के मुंह ललचा लीजिए और मैं तो बस टेस्ट करने का इंतज़ार कर रही हूँ। आ चुके हैं मेरा
छोला भटूरा और मेरी राज कचौड़ी, तो इसको अब टेस्ट करने का वक्त आ गया है, तो टेस्ट करते हैं। देख सकते हैं कितना फूला फूला भटूरा है हमारा, और इसको पिचका के अब इसकी बड़ी सी बाइट लेते हैं। छोले देख के तो मुंह में पानी आ रहा है। काफी बड़ा बाइट हो गया है तो मेरे मुंह में भी नहीं जाएगा, बट खाते हैं। क्या बात है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़िया टेस्ट निकला इसका तो। छोला भटूरा फिनिश करने के बाद बारी आई हमारी राज कचौड़ी की, तो इसकी भी एक बड़ी सी बाइट ले रहे हैं और देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लग रही है ये। तो अब ये सब फिनिश करने के बाद हम चलेंगे ऊपर इनके रेस्टोरेंट में, वहाँ का खाना ट्राई करने। तो बस इसे फिनिश करके आपको ऊपर लेके चलते हैं। यहाँ पर चल रहा है इनका विंटर स्पेशल मेन्यू, तो मैंने भी उसी से मंगवा लिया है मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, उसके साथ मिला है एक ग्लास छाछ और इनकी मोस्ट फेमस थाली, प्लस मेन्यू में गोलगप्पे दिख गए तो उनको मना कैसे कर सकती हूँ मैं। तो उनको खा के फिर आपको टेस्ट कराते हैं इनकी मक्के दी रोटी और सरसों दा साग। अब हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ की मक्के दी रोटी और सरसों का साग, उसके साथ कितना सारा मक्खन, गुड़ और ये सरसों का साग आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, और साथ में हमारे छाछ। तो पहले छाछ की एक बाइट लेते हैं और अब खाते हैं अपनी मक्के की रोटी और सरसों का साग। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, साथ में गुड़। पेट में जो बची कुची जगह है उसमें हम ट्राई करेंगे इनकी ये मोस्ट फेमस थाली, जिसमें हमारे साथ दाल मखनी, सूखी मटर की सब्जी, पनीर की सब्जी, रायता, सैलेड, अचार, रसगुल्ला और थोड़े से चावल थे। तो ये लिया मैंने बड़ा सा बाइट, काफ़ी टेस्टी थाली थी, मज़ा आ गई खा के। एक लोग के लिए तो बहुत ही बढ़िया थाली है पेट भर के खाने के लिए। अब खाना हो गया है तो डेजर्ट्स भी होंगे, और इन सारे डेजर्ट्स को ख़त्म करने के बाद हमारा पेट पूरा फुल हो चुका होगा। तो ये आखिरी बाइट है रसमलाई की। तो अब हम निकल रहे हैं बीकानेर वालों के यहाँ से, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब मैं आपको बताती हूँ मुझे यहाँ क्या क्या पसंद आया। यहाँ के छोले भटूरे, डीलक्स थाली और पानीपुरी मेरा फेवरेट था। पीछे भैया ने हमारा बॉम्ब कर दिया है, बट कोई बात नहीं, खाना बहुत बढ़िया था। मेन्यू और खाना तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो बस अब निकलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बट प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये लड़की ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाती रहे। तो बस बाय।